अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं साहब इमान? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या कर रहे हो सुबह सुबह से? कुकिंग चल रहा है, पूरा दिन कुकिंग कर रहा हूं। कुकिंग कर रहे हो कि नहा रहे हो? पूरे गीले हो गए हो। क्या कर रहे हो कुकिंग, पहले बताओ। देखी व्हाट इज ही मेकिंग? फिश। ओह लुक्स यम्मी। कौन सी फिश है? फिश का नाम बोलो, क्या है फिश का नाम? कर्फ। कर्फ या कर्फू? अच्छा, मुझे लगा तुमने निकनेम दिया है कर्फ। गोश्त, वाओ, यही तो चिटागंग की डिश है ना। और क्या बनाओगे आज? बस यही दोनों, मेरा रेमा को पुलाव बनाएगा। और किस खुशी में बना रहे हो आज इतना कुछ? क्या जा रहा है अम्मा? माँ अप्पा से कितने टाइम के बाद मिल रहे हो? 2 महीने के बाद। माँ अप्पा अचानक से आ रहे, क्यों, क्या हो गया ऐसा? रोजे के जो ईद था, ईद के बाद चला गया था। अभी एक और ईद आ रही है, तो इस ईद की खुशी में माँ अप्पा आ रहे हैं। और मजदूरों को छुट्टी दे दी ईद की? इस मजदूर को छुट्टी नहीं दी, नीचे वाले को? मैगी। अभी माँ और अब्बा आ रहे हैं, चिल्लाना नहीं है। इतने दिन के बाद एक्साइटमेंट में ऐसे चिल्लाएगा, देखेंगे। अभी माँ और अब्बा आएंगे ना मैगी की। और तुम्हारा आर्यन किधर है? अरे नींद में। और ये क्या किया है तुमने किचन के अलग? ये क्या करोगे इसको? टॉपिंग्स। और गाइज, अभी तक मैं वीडियो में नहीं आ रही क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। और आज मैं सोचा है वीडियो ऐसे ही करूंगी। आज आपको मैं माँ और अब्बा से मिलाऊंगी। माँ अब्बा क्या लेके आएंगे, क्या होगा हमारे घर में, आज पूरा दिन आपको ये देखने को मिलेगा। और आर्यन बहुत टाइम के बाद दादी से मिलेगा, हम वो देखेंगे। मैं बस घर के कपड़ों में हूँ गाइज, तो इसलिए आज मैं जो है ना नए स्टाइल में व्लॉग करूंगी। क्या क्या चीजें करता रहता है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। व्हाट इज दिस? पपीता लेके आया था आर्यन के लिए, तो पपीता बहुत टेस्टी था, इसलिए सीड रख दिया। तो तुम एक दो हफ्ते से इधर रख दिया है, कैसा लगता है? रहने के बाद लगाएंगे। और ये खजूर, जो टेस्टी खजूर, सोई अरब की बड़ी बड़ी खजूरें हैं, तो उसके भी लगाएंगे गांव में हमारे फार्म हाउस में। छत पे लगूंगा पहले। और ये क्या करोगे? तेजपत्ता। पुलाव बनाएगा। ओ, एमा के पुलाव के लिए मिर्ची शिर्ची डालेंगे। तो गाइज, अभी जो है ना सब कुछ रेडी हो रहा है, इसलिए मैं आपको जस्ट इधर से एक दिखा दिया कि माँ और अब्बा के आने की तैयारी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। हम तो बहुत टाइम से कर रहे थे, दिखाया आपको अभी है। और ये देखो पकड़ा गया। कैसा हुआ है? नमक चाहिए, नमक दो। तुम्हारे उस खाने में भी नमक कम है, मैंने टेस्ट किया था। हाँ, अरे डालो, नमक कम है। यहाँ पे एक और सीन हो चुका है, ये जो है ना, ये वाला मसाला, इसको इसमें हमेशा कीड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये गरम मसाला एक जाता है बिरयानी वगैरह में, और इसको मैंने अभी धोया है, उसके बाद मैं इसको ना रोस्ट कर दूंगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसमें कीड़े क्यों आते हैं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे थे जो मैंने फेंक दिए, उसमें होल्स हो गए थे, लेकिन इसमें ना कीड़े लग जाते हैं यार, क्यों? और गाइस चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है। ये क्या है फ्रिज में? चीज़ें, इतना चीज़ें। और ये क्या है? ये है सोडा वाटर। और ये जो है ना, मज़ेदार खाने जब बनते हैं ना, तो हमारे फ्रिज में पता नहीं कहाँ से ये ड्रिंक्स आ जाता है। नॉर्मली तो ड्रिंक्स नहीं होते। हो गया नमक, अरे क्या गिर गया, चीजें गिरते रहते हैं यार। चलो चलो चलो, नमक ज्यादा हो गया। तुमने फिर क्यों डाला, एक्स्ट्रा डाला मेरे कहने पे? मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया था, मजाक किया था। ओए ज्यादा डाल दिया। दो चम्मच दो, एक टेस्ट करूं। इसे कुछ जुगाड़ ही नहीं हो सकता, इसका कुछ जुगाड़ ही हो सकता है? बहुत है। हाँ यार, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन एमापू बोलो राइस में नमक कम डाले, फिर काम हो जाएगा। राइस में ज्यादा नमक ना डालो। कौन, मैं तुम्हारी चप्पल पहन के चल रही हूँ। मेरी चप्पल क्यों पहनी है तुमने? बार बार चप्पल चोर हो यार, तुम हमेशा मेरी चप्पल चुरा जाते हो। वापस करो, दो एक्सचेंज, मेरी चप्पल लेते जाते हो, फिर इतने बड़े बड़े पाँव डाल के सारे चप्पल बड़े हो जाते हो। वो टेस्ट करा रहे हो? इमन बोलने वाला था एमापू नमक पीते डाले। ऐसा क्या डाले जो नमक सेट हो जाए? आटा सिखाएगा गोश्त जो है ना उसमें तड़का कैसे डालते हैं। गोश्त में तड़का कौन देता है? इमान तुम दोगे? क्या डाला ये सबसे पहले? मस्टर्ड ऑयल ये डाल दिया। कितना डाला? हाफ कप डालोगे इसमें? सबसे पहले प्याज डालेंगे। कितना? दो प्याज है ना? ज्यादा प्याज। प्याज को फ्राई करोगे थोड़ा ना, फिर गार्लिक और लहसुन। गार्लिक और अदरक, ये रहा मस्टर्ड ऑयल में ऐसे फ्राई होता है।
इसमें मैंने तेल नहीं दिया, इसमें जो इधर से निकला मीट से तेल हाँ, नहीं, ज्यादा नहीं है मीट से ही जाएगा मीट। अच्छा, इसलिए इस साइड पे ज्यादा तेल गया है क्योंकि उधर नहीं दिया इतना। अभी अदरक जाएगा इसमें, देखना पड़ेगा कलर थोड़ा गोल्डन गोल्डन होने के बाद। हाँ, अभी अदरक जाएगा, उसके बाद क्या जा रहा है? ये ड्राई चिली, ड्राई चिली स्पाइसी वाले। हाँ। ओए होए होए, और आज की पार्टी है ना। और फिर क्या जाएगा? लहसुन, थोड़ा फ्राई हो जाए इसके बाद। लहसुन पहले डाल दो, साथ में ही हो जाए। जो मैंने वीडियो देखा मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ। ईमोना रेसिपी देख रहा है, देखो ये देखो बंगला में रेसिपी देख रहा है। ये लो चीज ब्रेड का, चीज ब्रेड क्योंकि माँ वालों के आने को टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी तक फिलहाल हम लोग ना एक साथ करने वाले हैं लंच, तो इसलिए अभी कोई नहीं खाएगा। 4-5 बजे खाएंगे सब एक साथ। ये मैगी भी खा रही है चीज ब्रेड, इमोन भी खा रहा है चीज ब्रेड। और तड़का कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा? इधर से थोड़ा गोश्त लेके उधर डालना है मुझे। ओ, पानी तो नहीं छीटेगा ऊपर, संभल के। गरम गरम तेल है ना, पानी इधर उधर हो सकता है। थोड़ा सा बोला, ज्यादा ले रहे बस इतना ही। इमोन थोड़ा बोल के ये चीटिंग कर रहे हो, तुम रेसिपी फॉलो नहीं कर रहे। ना ना, ये करने के बाद ये बंद करना पड़ेगा इसको। ओ, अभी आस्ते 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 आस्ते। अच्छा, गोश्त के साथ जैसे मिक्स हो जाए ना सारा, 2 मिनट ऐसे बंद रहे। 2 मिनट तक बंद, पानी नहीं हो जाएगा अंदर, स्टीम नहीं होगा। आस्ते आस्ते करो। रेडी 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 रेडी। अभी क्या करोगे? देखिए देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ओ, देखें कैसे ट्रांसफर करते हो। उस साइड आओ, इस साइड आओ, उस साइड आओ, दूर से दूर जाओ। हाँ, दूर 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 दूर। वाओ यार, ये तो पूरा ही रेस्टोरेंट स्टाइल। वो यार इन चिटागोंग आगे पीछे हो गया, कहाँ से क्या पकड़ू समझ नहीं आ रहा। अभी क्या करना है? इसको हल्का से मिक्सिंग ना, मिक्सिंग। इसको क्या करना है अभी? मिक्सिंग मिक्सिंग करना है। और खतरनाक किस्म टेस्टी लग रहा है। चूल्हा भी ऑन कर दिया, बस ये रेडी हो गया ना। इसमें रखेंगे नहीं, अभी जो थोड़ा सा गोश्त किया था ना मैंने। हाँ। अभी ऐसे करके फिर बंद करके थोड़ा देर रख देंगे। अच्छा, कुक होगा। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखो ये देखो, इसलिए बोलते हैं 2 आंखें नहीं 4 आंखों से काम करना चाहिए कुकिंग के टाइम। तो अभी हम चेक करके आते पापा का फाइनल खाना। इवान, तुम्हारा खाना रेडी हुआ कि नहीं? रेडी गाइस, इधर ये खाली पड़ा है ना पुलाव के लिए, व्हाइट पुलाव। अच्छा, फिश लुक्स डिलीशियस। और ये क्या है? काला भुना, लुक्स डिलीशियस। इवान बहुत अच्छा बनाया है, यू डिड अ गुड जॉब। बहुत काम किया सुबह से, बहुत कुछ किया, पसीने वसीने आ गए। जाओ शॉवर और करो, रेडी हो जाओ, माँ आने वाली है कुछ ही टाइम में। तो गाइस, इमोन का जो खाना है ना, सबसे पहले आर्यन को टेस्ट करा रहे हैं, कैसा लगता है। आर्यन तुम रेडी हो? आज दादी आ रही है, आर यू रेडी? बोला यस यस। चलो अभी आर्यन को ना पुलाव राइस और थोड़ा सा सालन। आर्यन ऐसे बिस्मिल्ला, आई मोइलक की खाओ, खुद खाओगे। देखो देखो राइस खा पाना, देखी पसंद आया? देखो आर्यन खा ले, मजा। पापा ने बहुत मजे का पकाया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, आर्यन को पसंद आया, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी हो गया है। मैंने अभी भी टेस्ट किया लेकिन आर्यन को बहुत मजे का लग रहा है, तो चलो खाओ। उसने अपना खाना खा लिया। ये आबार आबार आइटम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई आई मम्मा कैसे खिला रहा है, देखी खाना नष्ट करे ना, खाना नष्ट करे ना, मतलब खाना खराब नहीं करते, ऐसे बोल रहे हैं मुझे मेरा बेटा माशाल्लाह। खाना नष्ट करे ना। हाँ आर्यन, यू आर वेरी वेरी गुड चाइल्ड। खाना नष्ट करे ना, बिस्मिल्लाह। हलिया माँ अपनी ठीक है, रब्बा माँ सब ठीक।
टायर्ड हो गए थे ना, टायर्ड दादी ने उठा लिया। क्या बोलो है दादी को, दादी के साथ बाय बाय बोलो, बाय बाय, दादी को फ्लाइंग किस दो, दादी को फ्लाइंग किस दो, हर बार की तरह इस बार भी माँ और अब्बा जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए गांव से। अभी देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं लाइव। ये है बकरी का दूध, जो गांव में एक बकरी है उसका फ्रेश फ्रेश दूध उबला माँ वालों ने हमारे बच्चे खाए। और जो है ना आर्यन, वो इतने दिन के बाद दादी के पास तो बड़े शौक से गया, मुझे ही छोड़ दिया, किसी की गोद में नहीं जा रहा, सिर्फ दादी की गोद में, और अब्बा के पास ना जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या। बच्चे भी है ना जो जिससे अटैच हो जाए, अब्बा से फिर बाद में यूज टू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं जा रहा। और यहाँ पे माँ वाले जो है ना इधर भी कुछ लेके आए थे, मुर्गियाँ शुर्गियाँ देसी, फिर डक वगैरह, जो कि माँ ने बोला कि आर्यन जो है ना वो हेल्दी खाना खाए, गांव का खाना, क्योंकि हमारे यहाँ सिटी में जो खाना मिलता है ज़्यादातर केमिकल वाला होता है, और गांव में अगर कुछ गांव से लेके आते तो वो ऑर्गेनिक होता है और केमिकल्स कम यूज़ किए हुए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, सेट वगैरह प्रीमियम दिखा रहा था, माँ आप सामान लेके आए होते रखा है। अभी जो है ना आर्यन किसी के गोद में नहीं जा रहा, सिर्फ माँ के पास जाएगा, सिर्फ ओनली दादी। और मैंने बोला चलो मैं ले लूँ, मेरे पास तो आ जाएगा मेरा बेटा, तो मेरे पास भी नहीं आया। तो बस ये है कि वो बड़ा खुश था, क्या लेके आया ये, ओ बरिशाल की फेमस दही जो है, मीठी दही ना, बांग्लादेश में मीठी दही खाई जाती है। रखो फ्रिज में रखो, बाद में खोलेंगे, बाद में रखो रखो। तो गाइस अभी माँ और अब्बा जो है ना वो बहुत भूख में, और मैंने बाहर तुम चले गए थे ना अब्बा वालों को लेने के लिए, तो मैंने बीच में लस्सी बना दी खट्टी, और ये है क्यूकम्बर का रायता। की बाबा दादी के पास जाता है, दादा के पास जाबा ना, दादी शॉवर, दादी कपड़ा चेंज करे, शॉवर करे, फिर दादी से बात करोगे ना, दादी टायर्ड है ना, दादी को बुला रहा है बाथरूम के बाहर से। तो गाइस खाना पीना खत्म हो गया है, मीट थोड़ा सा बचा है, चिकन किसी ने नहीं खाया, और जो है ना मछली खाई अब्बा ने बड़े शौक से, अब्बा को मछली काफी अच्छी लगी, और माँ को बहुत, माँ ने गोश्त खाया, अब्बा ने मछली खाई, और जो है ना लस्सी भी बच गई है। लस्सी क्या करोगे, फ्रिज में रखोगे, बाहर ही रहे। और हमारे गाँव से आम भी बहुत सारे आए हैं, तो ये रहे आम शाम, और क्या है ये भी कुछ आया है फ्रूट, जम्बूरा क्या बोलते हैं इसको, ये वाला माँ पूरा छील के लेके आइए। तो अभी जो है ना हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर के बाद शाम की चाय के साथ। और तुमन जो तुमने काम किया है ना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाइस आप ही कमेंट में बताओ आपके घर में कौन सा लड़का है जो ऐसे कुकिंग करके गेस्ट को, नहीं नॉर्मली क्या होता है कि लड़के इतना कुकिंग नहीं करते हैं, मतलब जितनी भी अगर वीडियोज भी देखो या इवन मेरे घर की बात कर लो, मेरे घर में मेरे भाई तो कुकिंग नहीं करते ना, तो वही तो इमोन ने कुकिंग करके अपने माँ बाप को खिलाया, हम सबको खिलाया, थैंक यू सो मच। और एक बात, बहुत ही टेस्टी खाना था तुम्हारे हाथ में, तो बड़ा जायका है, हाँ बड़ा जायका है, काला बुना यार, क्या क्या दिखाऊं, कब से तो चीजें ही दिखा रही हूँ। ये आए हैं गांव से नारियल, तो इसको भी कुछ करना है सिस्टम, बाद में क्या करेंगे देखें। और गाइस यहाँ पे इस बोरी बोरियां भर के, ये वाली चीज भर के पता नहीं क्या क्या आया था, और वो देखो इतने सारे लेमन एंड ग्रीन मैंगो आए हैं, और इसके अंदर पुलाव राइस है। मतलब माँ अब्बा ना बहुत कुछ लेके आए, इतना लेके आने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग बोला कि रिलैक्स हो के आना, लेकिन फिर भी इतना कुछ लेके आए, इतना कुछ लेके आए, क्या करें यार, बेचारे बहुत टायर्ड हो गए, मतलब इतना सामान लेके आए, लेकिन सब कुछ लेके आए हम लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे खुश होंगे। अभी जो है ना हमारे घर बन रही है चाय, और चाय बन रही है बकरी, खुद की बकरी है गाँव में, उसके मिल्क लेके आई है माँ, तो वो अभी चाय भी इमोनी पिलाएगा। आज है ना मैं रेस्ट में हूँ, आज मैंने सोचा है मैं तैयार ही नहीं होंगी, क्योंकि तैयार हो के आओ करो टाइम लगता है बहुत, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना इमोन से मौका मिला है काम करा लूँ। वैसे तो हमेशा मैं ही पकाती हूँ चाय बनाती हूँ, आज इमोनी बनाएगा,
वही आज इमोन का हाँ, तो इसलिए आज सादिया रेस्ट करेगी और हम मैगी के साथ खेलेंगे, आर्यन के साथ खेलेंगे और पापा काम करेगा पापा। तो गाइज ये मुझे लगा था दही है लेकिन ये दही नहीं है, ये है रसगुल्ले रसमलाई और ये इतने मजे के होते हैं। ये जो रसगुल्ले होते हैं ना इसके अंदर ये रसमलाई होता है। हाँ रसमलाई, ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और इसका जो पानी वाला ये जो है ना चाशनी क्या बोलते हैं दूध का बना हुआ इतना टेस्टी होता है। ये मैंने पहले भी खाया है तो ये स्पेशली गांव से माँ वाले लेके आए हैं, उस एरिया का ये वाली चीज़ें फेमस है। इवन ढाका में भी मिलेगा आपको लेकिन होता है ना किसी किसी जगह की कुछ चीज़ें फेमस, तो ऐसे ये उस एरिया की फेमस है इसलिए माँ वाले स्पेशली। आज इतना हेक्टिक डे था उसके बावजूद भी ये चीज़ें अच्छा रुका था इसलिए खरीदा, तो बड़ी बात है मतलब जितनी चीज़ें खरीद के आए ना माँ वाले बहुत ही बड़ी बात है। और आगे तो और भी व्लॉग्स आएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि परिसर में क्या क्या हो रहा है। लास्ट तो इमन ने दिखाया उसके बाद भी बहुत कुछ हो गया है। सेकंड डे और आज जो है ना यहाँ पे मैं आर्यन के लिए साबूदाना बना रही थी खजूर के साथ, मैंने सोचा उसे खजूर ट्राई कराऊं खजूर इंट्रोड्यूस करूं, तो साबूदाना खजूर के साथ इवनिंग का है उसका ये। और इधर चाय जो है ना उबलते उबलते गिरने ही वाली थी, बस थोड़ी सी गिर गई शाम की चाय है। और मैंने यहाँ पे घी में देसी घी जो बनाया है उसमें मैंने रोटियाँ जो है ना सेक दी हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो एंड यहाँ पे व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज किस किस ने मुझे मिस किया किस किस ने नहीं किया कॉमेंट से बताना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज बाय।요새너조금이상해졌어자꾸만시도때도없이시무룩하게고민이생겼니등학교영어수업시간에배웠었던